जिले में आमजन की परिवेदनाओं के निस्तारण को लेकर गुरुवार को जिला मुख्यालय पर जनसुनवाई का आयोजन किया गया। कलेक्ट्रेट स्थित कॉन्फ्रेंस हॉल में आयोजित हुई जनसुनवाई में बड़ी संख्या में फरियादी पहुंचे। जिला कलेक्टर की अगुवाई में आयोजित हुई इस जनसुनवाई में फरियादियों ने अपनी समस्याओं से अवगत करवाया और प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। कलेक्टर ने समस्या के समाधान को लेकर संबंधित विभाग के अधिकारियों को मौके पर ही निर्देशित किया। आमजन की जनसुनवाई की त्रिस्तरीय व्यवस्था के अंतर्गत गुरुवार को कलेक्ट्रेट सभागार में जिला स्तरीय जनसुनवाई आयोजित की गई। इस दौरान गौ सेवा आयोग अध्यक्ष मेवाराम जैन और जिला कलेक्टर लोकबंधु ने परिवादों की सुनवाई की। वहीं मुख्य सचिव ऊषा शर्मा और जिले के प्रभारी सचिव केसी मीणा वीसी से जुड़े रहे। इस अवसर पर गौ सेवा आयोग अध्यक्ष जैन ने कहा कि जिला स्तरीय जनसुनवाई में प्राप्त परिवेदनाओं पर अधिकारी गंभीरता के साथ कार्रवाई कर उनका त्वरित एवं गुणवत्तापूर्वक निस्तारण सुनिश्चित करे, क्योंकि यह सरकार की सुशासन की परिकल्पना को साकार करने का एक सशक्त जरिया है। मुख्य सचिव उषा शर्मा ने ब्लॉक स्तरीय जनसुनवाई में शून्य परिवेदनाएं प्राप्त होने को गंभीरता से लिया और भविष्य में किसी प्रकार की लापरवाही नहीं बरतने को कहा। साथ ही जनसुनवाई का व्यापक प्रचार प्रसार करने के निर्देश दिए। संभागीय आयुक्त और जिले के प्रभारी सचिव केसी मीणा ने जनसुनवाई में बार बार आने वाली शिकायतों को सूचीबद्ध कर और उनकी प्रभावी मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए। इससे पूर्व जिला कलेक्टर लोकबंधु जनसुनवाई में आई सभी परिवादों की विस्तार से सुनवाई की एवं संबंधित विभागों को निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा आमजन की परिवेदनाओं के त्वरित समाधान के लिए त्रिस्तरीय जनसुनवाई की व्यवस्था प्रारंभ की गई है, जिसे गंभीरता से लेते हुए ब्लॉक स्तरीय अधिकारी पंचायत स्तरीय जनसुनवाई का प्रभावी पर्यवेक्षण करे। जिला कलेक्टर ने कहा कि आज की जनसुनवाई में प्राप्त प्रकरण एक सप्ताह में निपटाए जाए। इस दौरान जनसुनवाई में आए सभी परिवादियों की एक एक परिवेदना को गंभीरता से सुना और संबंधित अधिकारी को निस्तारण के निर्देश दिए। जनसुनवाई में कुल 44 परिवाद पेश हुए। जिला स्तरीय जनसुनवाई में मुख्य कार्यकारी अधिकारी ओम प्रकाश बिश्नोई, अतिरिक्त जिला कलेक्टर सुरेंद्र सिंह पुरोहित, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नरपत सिंह समेत विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे। वहीं ब्लॉक स्तरीय अधिकारी वीसी के माध्यम से जुड़े रहे।